नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। दिनभर की बड़ी खबरें, आइए पहले देखते हैं दिनभर की बड़ी खबरें डीवी लाइव के सौजन्य से। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहले बड़ी खबरें, उसके बाद कुछ आज इस बुलेटिन में बात होगी सेबी चीफ पर कांग्रेस के बड़े खुलासे की, सुप्रीम कोर्ट की बुलडोजर नीति पर सख्त टिप्पणी की, देखेंगे राहुल गांधी की डीटीसी बस यात्रा को, जाति जनगणना पर राहुल के दबाव में आई आरएसएस को, जानेंगे महाराष्ट्र में महायुति को लगे बड़े झटके को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची, वैष्णो देवी से भूपेंद्र जामवाल को दिया टिकट। केजरीवाल के पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में थे गिरफ्तार। पैरालंपिक 2024 में भारत को मिला दूसरा गोल्ड, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में मारी बाजी। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 194 अंकों की बढ़त के साथ 82,559 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 42 अंकों की बढ़त के साथ 25,278 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। बात आज की सबसे बड़ी खबर की, सेबी चीफ माधवी पुरी भुज एक बार फिर मुश्किल में है। कांग्रेस ने सेबी चीफ को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने भुज पर एक साथ कई जगह से सैलरी लेने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सेबी चीफ को लेकर केंद्र सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने बड़े दावे किए। पवन खेड़ा ने कहा कि इस देश में शतरंज का खेल चल रहा है, लेकिन खिलाड़ी कौन है इस पर हम निर्णायक तौर पर नहीं पहुंचे हैं। अलग अलग मोहरे हैं, उनमें से आज हम एक मोहरे के विषय पर बात करेंगे जिनका नाम है माधवी पुरी भुज। पवन खेड़ा ने कहा कि माधवी पुरी भुज सेबी की मेंबर थी, उसके बाद 2 मार्च 2022 को चेयरपर्सन बनी। सेबी शेयर मार्केट की रेगुलेटर है और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री करते हैं। पवन खेड़ा ने दावा किया कि सेबी चीफ एक साथ 3 जगहों से सैलरी ले रही थी, वो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और सेबी से एक साथ सैलरी ले रही थी। 2017 से 2024 के बीच में करोड़ों की रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी और ई शॉप पर जो टीडीएस था वो भी यही बैंक दे रहा था। ये सीधे सीधे सेबी के सेक्शन 54 का उल्लंघन है, इसलिए अगर माधवी पुरी भुज में थोड़ी भी शर्म होगी तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से हमारे सवाल है कि क्या आईसीआईसीआई ने किसी भी जगह सेबी के मेंबर को वेतन देने की बात सार्वजनिक की। आईसीआईसीआई सेबी की चेयरपर्सन को सैलरी देने की आड़ में क्या सुविधा ले रहे थे? आखिर आईसीआईसीआई बैंक ने सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी क्यों नहीं दी? आईसीआईसीआई बैंक ने ESOP के नियम का उल्लंघन कर इनको लाभ क्यों दिए? वहीं खेड़ा ने कहा कि सेबी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी और भी कंपनियां हैं जिससे आप और आपके परिवार के सदस्य इस तरह के लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर भी सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि सेबी की चेयरपर्सन के बारे में इतने खुलासे होने के बाद भी उन्हें कौन बचा रहा है और क्यों। सेबी के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेर लिया है, तो वहीं बुलडोजर नीति पर भी बीजेपी सवालों में घिर गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई, इस दौरान कोर्ट ने बुलडोजर नीति पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके साथ ही सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए, तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या कोई किसी का भी घर सिर्फ इसीलिए तबाह कर सकता है क्योंकि वह आरोपी है। दरअसल जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुनवाई की। इसमें आरोप लगाया गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की। जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने साफ कह दिया कि किसी का घर सिर्फ इसीलिए नहीं गिराया जा सकता कि वो किसी मामले में आरोपी है। कोर्ट ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसके घर को गिराया नहीं जा सकता है। हमें रवैये में बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा ना मानने वाला हो सकता, लेकिन अगर इस आधार पर घर गिराया जाता है तो ये तरीका नहीं है।
साफ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल है, भले ही कोर्ट उसे दोषी क्यों ना मान ले, लेकिन इस आधार पर उसके पूरे परिवार को सजा नहीं दी जा सकती है। बेटे के गुनाह के लिए उसके पिता के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, सिर्फ इसीलिए कि बेटा अपने पिता के घर पर रहता है। अब इस मामले में कोर्ट 17 सितम्बर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी सरकारी बस कर्मचारियों के मुद्दे उठाए हैं। राहुल गांधी ने बस कंडक्टर, ड्राइवर और अन्य स्टाफ से मुलाकात की, जिसका राहुल ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है। राहुल ने सरकार को घेरते हुए बड़ी मांग कर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गरीब और पीड़ित लोगों के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। राहुल लोगों का दुख दर्द जानने के लिए अक्सर उनके बीच पहुंच जाते हैं। अब उन्होंने बस कंडक्टर, ड्राइवर और अन्य स्टाफ से मुलाकात की। राहुल ने सरकार को घेरते हुए बस स्टाफ की परेशानियां गिनाई। उन्होंने DTC बस में सफर का वीडियो शेयर किया है। वीडियो में राहुल स्टाफ से बात करते नजर आ रही हैं। राहुल ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक सुखद बस यात्रा के अनुभव के साथ DTC कर्मचारियों से संवाद कर उनके दिनचर्या और समस्याओं की जानकारी ली। न सामाजिक सुरक्षा, न स्थिर आय और न ही कोई स्थायी नौकरी। कॉन्ट्रैक्चुअल मजदूरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी के काम को मजदूरी के मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अनिश्चितताओं के अंधेरों में जीने पर विवश हैं। वहीं यात्रियों की सुरक्षा में निरंतर तैनात होमगार्ड्स 6 महीनों से वेतनहीन हैं। इस उपेक्षा से त्रस्त देश भर के सरकारी कर्मचारियों की तरह DTC वर्कर्स भी लगातार निजीकरण के डर के साए में जी रहे हैं। राहुल ने आगे कहा कि ये वो लोग हैं जो भारत को चलाते हैं, प्रतिदिन लाखों यात्रियों के सफर को सुगम बनाते हैं, मगर समर्पण के बदले उन्हें कुछ मिला है तो सिर्फ अन्याय। मांगे स्पष्ट हैं, समान काम, समान वेतन, पूरा न्याय। वो भारी मन और दुखी दिल से सरकार से पूछ रहे हैं, हम नागरिक पक्के तो नौकरी कच्ची क्यों? राहुल ने मांग की कि सरकार समान काम के लिए समान सैलरी और कर्मचारियों के साथ न्याय करे। राहुल बीजेपी की परेशानी बढ़ाते हुए दिखाई दे रही हैं। राहुल के दबाव में मोदी सरकार और बीजेपी दिखाई दे रही है, तो इस दबाव का असर RSS पर भी दिख रहा है। राहुल गांधी जाति जनगणना की लगातार मांग कर रहे हैं और अब RSS ने भी जाति जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समूचा विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष की मांग है कि जनगणना हो तो उसमें अलग से जातियों का भी एक कॉलम बनाया जाए। अब इस बीच केरल में RSS की बैठक में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा। संघ की तरफ से कहा गया कि वो जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, समाज के विकास के लिए जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। RSS के मुख्य प्रवक्ता सुनील आम्बे ने कहा कि हमारे समाज में जाति संवेदनशील मुद्दा है, ये देश की एकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, ना कि चुनाव और राजनीति को रखकर। सरकार को डेटा की जरूरत पड़ती है, समाज की कुछ जाति के लोगों के प्रति विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इन उद्देश्यों के लिए सरकार को जाति जनगणना करवानी चाहिए, लोक कल्याण के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अपने इस बयान से संघ ने एक तरह से इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिला दिए हैं। अब जहां एक ओर बीजेपी और संघ के बीच लगातार दूरियों की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं संघ के इस बयान ने दोनों के बीच की खाई को और बढ़ाने का काम किया है, जिससे बीजेपी पर विपक्ष द्वारा लगाया गया आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा और गहरा हो गया है। बीजेपी के साथ RSS भी विपक्ष के दबाव में नजर आ रहा है। विपक्ष मजबूत होता जा रहा है तो NDA कमजोर होता दिखाई दे रहा है, और इसका असर उन राज्यों में सबसे ज्यादा दिख रहा है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सियासी हलचल भी तेज हो रही है। कई नेताओं ने चुनाव से पहले दल बदल भी शुरू कर दिया है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस के करीबी एक नेता के पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं, और ये झटका उनके गढ़ विदर्भ में ही देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले महीने भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शिशुपाल पटले ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था, और अब पूर्व विधायक गोपाल दास शंकर लाल अग्रवाल भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें की खबर ये है कि विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाने के लिए विधान परिषद की उम्मीदवारी पर पूर्व मंत्री परिणय फुके के नाम पर मोहर लगने से गोपाल दास नाराज हैं, और कहा जा रहा है कि कोई गारंटी नहीं है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें BJP से टिकट मिलेगा या नहीं। ऐसे में वे पार्टी बदलने को बेचैन हो गए हैं। हालांकि पूर्व विधायक की कांग्रेस में घर वापसी को लेकर पार्टी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है। उनके दल बदलने की बात
चाहते समर्थक ही कह रहे हैं। बता दें कि गोपाल दास 2004, 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन गोपाल दास ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामकर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, जिसमें उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में गोपाल दास के इसी महीने में कांग्रेस में वापसी करने के कयास लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार भी मुश्किल में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दे दी है कि किसानों के मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर एक बार फिर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने किसानों की मांग को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खुलवाने, बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग को सुनने के लिए उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए कमेटी बनाई है और कमेटी को एक सप्ताह के भीतर पहली बैठक बुलाने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों को उनका शांतिपूर्ण आंदोलन वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने की आजादी होगी। दरअसल किसान फरवरी 2024 से ही शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस कारण से बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद है, जिस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकारों को बॉर्डर खोलने के आदेश दिए थे और हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और अब सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कमेटी को जल्द से जल्द किसानों से बातचीत के जरिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हुए बॉर्डर से उनके ट्रैक्टर ट्रॉली हटवाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों में कृषि समुदायों की एक बड़ी आबादी हाशियाई पर पड़े समुदायों से संबंधित है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है और वे सहानुभूति के हकदार हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट किसानों के मुद्दे को हल करने की कवायद में जुट गया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के विरोध के बावजूद उनके नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी कड़ी में ईडी ने आप विधायक अमानतुल्ला खान को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्ला के बटला हाउस स्थित घर पर ईडी 2 सितंबर की सुबह छापेमारी करने पहुंची थी। जांच के बाद एजेंसी ने अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी की। बता दें कि अमानतुल्ला के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड की वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जाँच की जा रही है। इससे पहले अमानतुल्ला ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि आज सुबह सुबह तानाशाह के आदेश पर उसकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंच गई। सर्च वारंट के नाम पर ईडी वाले मुझे अरेस्ट करने आए हैं। तानाशाह मुझे और अन्य आप नेताओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पार्टी को भी परेशान कर रही हैं। उनका मकसद है हमें तोड़ना और हमें अलग करना। हम टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन हम इनसे नहीं डरेंगे। मुझे कोर्ट पर यकीन है कि जिस तरह से हमें पहले इंसाफ मिला है उसी तरह से आगे भी मिलेगा। ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है। इस मामले पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी साल 2016 से अमानतुल्ला खान से जुड़े मामले की जांच कर रही है, अभी तक कुछ मिला नहीं है। केंद्र सरकार इस पर राजनीति कर रही है। केंद्र के इशारे पर ही ईडी ने रेड की है। केंद्र सरकार खुलेआम गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी एक नकारात्मक सोच की पार्टी है। केंद्र सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिसके बाद से केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि विपक्ष पहले से ही केंद्र पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता आया है और अब एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में है। और बुलेटिन के आखिर, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब।